आज हम एक दूसरी इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, जो इंडिकेटर आपको एक मोमेंटम के बारे में बताता है। और ये इंडिकेटर आपको पॉजिटिव साइड में मोमेंटम होगा या डाउन साइड में मोमेंटम होगा, ये आपको बता देता है। तो ये जो मोमेंटम वाले इंडिकेटर है, ये आपको एक डिरेक्शनली मूवमेंट आपको बताता है। यानी आपको जब तक कैंडल पॉजिटिव नहीं होगा, तब तक आपका कॉलर भी चेंज नहीं होगा और आपको ट्रेंड बेसिस में आपको पता नहीं चलेगा। मैं जो आपको इंडिकेटर बता रहा हूँ, सिंगल इंडिकेटर बता रहा हूँ, इसमें आपको और भी इंडिकेटर ऐड करना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसका मतलब है कि जो इंडिकेटर आप यूज कर रहे हैं, मैं जो इंडिकेटर आपको बता रहा हूँ यहाँ से, ये इंडिकेटर क्या है ना, एक ऑब्जर्वेशन है। ये अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, ये आपको अच्छा लग सकता है, तो इसके ऊपर आपको रिसर्च करना चाहिए। लेकिन ये ट्रेंडिंग इंडिकेटर है, काफी सारे लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, इसमें जो फीचर है बहुत अच्छा है, तो इसीलिए मैंने आपको इस इंडिकेटर के बारे में बता रहा हूँ और ऑब्जर्व कर रहा हूँ। लेकिन इसको अच्छी तरह से कैसे देखना चाहिए, क्या क्या हो सकता है, किस इंडिकेटर के साथ इसको कंबाइन कर कर देखना है, किस स्टॉक को आपको कैसे एनालिसिस करना है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो इंडिकेटर है, ये एक ट्रेंडिंग बेसिस यानी मोमेंटम बेसिस का इंडिकेटर है। इसका नाम है मोमेंटम एंड स्क्वेज ऑसिलेटर्स। ये अल्गो बेसिस का इंडिकेटर है। इसमें आपको क्या है ना, कभी भी जो आपका जो ट्रेंड है, यानी पॉजिटिव साइड का ट्रेंड है या नेगेटिव साइड का ट्रेंड है, ये आपको बता देता है। तो ये क्या है ना, कॉम्प्लीटली जब आपका नेगेटिव साइड में होगा तो नेगेटिव, उसके बाद जब पॉजिटिव साइड में जाता है तभी आपको पॉजिटिव साइड में आ जाता है। मान लो आप 5 मिनट में आपको ट्रेड कर रहे हैं, तो 5 मिनट में आपको जब भी इस लेवल पर आपको देखिए, यहाँ से क्रॉसओवर हुआ, छोटा सा मूवमेंट दिया, फिर से नीचे आ गया और आपका प्रीमियम ले लिया। तो ये जो प्रॉब्लम होता है, नॉइज प्रॉब्लम होता है, इस नॉइज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरी इंडिकेटर इसके साथ कंबाइन कर कर देखना है। तो मोमेंटम के लिए तो आप इसको देखना चाहिए। तो आप इसमें सेटिंग को जाइए, सेटिंग में काफी सारे चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये बाय डिफॉल्ट आपको चार्ट में होगा, तो आप इसको क्या करना चाहिए ना, सिंपल आपको एक बड़ा ट्रेंड आप ले सकते हैं डे बेसिस का। तो आप देखिए, अभी भी आपका बैंक निफ्टी में ट्रेंड जो है डे बेसिस का पॉजिटिव नहीं हुआ है, लेकिन 1000 पॉइंट ऑलरेडी मूवमेंट हो गया। तो आप इसलिए क्या करेंगे ना, इंट्राडे बेसिस में आप एक 1 आवर का ट्रेंड देख सकते हैं, ले सकते हैं। तो इसमें आपको काफी सारे चेंज है, तो एनेबल रेजोल्यूशन करना पड़ेगा, तो इसके नीचे में आपको एक कॉलर अलर्ट करना पड़ेगा, एक्टिवेशन करना पड़ेगा, ये सारे आप एक्टिवेशन करेंगे। तो इसमें आपको क्या है ना, जब भी आपको 1 आवर बेसिस में पॉजिटिव आपको दिखाई देगा, तभी आपको इसमें पॉजिटिव साइड में साइन आपको दिखाई देगा। तो ये जो कैंडल है, आप 5 मिनट का कैंडल देख सकते हैं या 15 मिनट का कैंडल देख सकते हैं। तो आपको जो ट्रेंड मिलेगा, ये ट्रेंड आपको पॉजिटिव होगा। इसके साथ एक दो इंडिकेटर और लगा दो, तो आपको अच्छी तरह से एक इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जो मोमेंटम है वो पॉजिटिव साइड का है या नेगेटिव साइड का है। तो इस मोमेंटम को किसी स्टॉक या इंडेक्स को देखने के लिए तो ये अच्छा इंडिकेटर है, जो आप देख सकते हैं कि मोमेंटम अभी जो है, ये मोमेंटम आपको पॉजिटिव साइड में है या नेगेटिव साइड में है। जब आपको कंफर्मेशन मिल जाता है, नहीं मोमेंटम पॉजिटिव साइड में है और उसको हमें फॉलो करना चाहिए, तभी आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा इंडिकेटर है मोमेंटम एंड स्क्वीज एक्सीलेटर जो है, वो मोमेंटम बेसिस के लिए बहुत अच्छा है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।